हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुछ भी सीखो विद तनवीर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं परफेक्ट पोटली बैग में परफेक्ट डोरी कैसे लगाई जाती है, वो तरीका हम बताएंगे कि इसमें परफेक्ट डोरी कैसे लगाएंगे। इसको देखिए, ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो ये खुल जाएगा और इस डोरी को पकड़ के हम खींचेंगे तो ये बंद हो जाएगा। सबसे पहले तो इसके लिए एक लाइक कर दें प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं और आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर एक बार ज़रूर विज़िट करें और वहाँ पर आप मेरी वीडियोस देखें। आई होप कि आपको मेरा काम पसंद आएगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप ये पोटली बैग बनाना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लें। इसके अलावा आप और क्या देखना चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ग्रे ऊन से हम डोरी बनाएंगे। ये देखिए, डोरी हम जो है डबल ऊन से बनाएंगे। देखिए ये डबल ऊन ऐसे ले लेंगे। सबसे पहले देखिए, क्रोशिया पे ऐसे करके एक बल ऐसे करके देंगे। एक बल देने के बाद यहाँ से एक लूप इसमें से निकालेंगे और इस तिल को पकड़ के टाइट कर लेंगे तो ये एक स्लिप नॉट हो गया। और इस तिल को थोड़ा लंबा रखना है क्योंकि इसमें हमें टसल बांधना है। अब देखिए, इस दोनों ऊन को अलग अलग कर लेंगे। देखिए दोनों को अलग अलग कर लिया। अब देखिए, इस क्रोशिया के ऊपर ऊन को ऐसे करके डालेंगे और यहाँ से एक चेन बनाएंगे, फिर ऐसे डालेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर ऐसे ऐसे डालेंगे, एक चेन बनाएंगे। देखिए, उस ऊन को इसके ऊपर ऐसे डालेंगे और एक चेन बनाएंगे, फिर ऐसे करके डालेंगे, एक चेन बन। इसी तरह हम इसके ऊपर डालते जाएंगे। ये दूसरा वाला ऊन इस पे डालेंगे और एक चेन बनाएंगे। फिर देखिए, इस वाले को ऐसे डालेंगे तो एक चेन बनाएंगे। ऐसे डालते हुए पूरी डोरी हम कंप्लीट कर लेंगे। जितनी लंबी हमें बनाना है अपनी नीड के अकॉर्डिंग ये डोरी कंप्लीट करनी है। देखिए डोरी का साइज़ देखिए, हमने कितना बड़ा बनाया है। देखिए इस पोटली बैग से इतना ज़्यादा बनाया है। इसको थोड़ा बड़ा बनाना है डोरी को। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डबल ऊन से लास्ट वाला चैन हम डबल ऊन से बनाएंगे। इस डबल ऊन से एक चैन बना लेंगे और इसको थोड़ा लंबा करके हम काट लेंगे। ऊन को लंबा कर देंगे थोड़ा सा और अब काट लेंगे इसको और इसको टाइट कर देंगे। देखिए हमें दो डोरियों की ज़रूरत है तो इसलिए इसी साइज़ की एक डोरी हमने और रेडी कर लिया है। तो ये हमारे पास देखिए, हमें डोरी को देखिए अब ऐसे करेंगे और यहाँ हमें बराबर कर लेना है। पोटली बैग को दोनों साइड से एकदम आधा आधा दोनों साइड से कर लेना है। देखिए यहाँ से ये आधा हो गया, यहाँ से ये आधा हो गया, एकदम बराबर। ये देखिए डोरी यहाँ से डालना शुरू करेंगे। पकड़ के यहाँ आधा कर लीजिए, ये बराबर से ये आ जाएगा। देखिए अब यहाँ से डाल, इसको यहीं से हम ये डोरी से हाथ इजीली हाथ से डाल सकते हैं। क्रोशिया से डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम पूरे राउंड में ये डोरी को डाल देंगे। एक डोरी हमारी इस साइड रहेगी, देखिए इसको इस साइड हम इस तरह करके निकाल देंगे। तो ये दोनों डोरी को हम बराबर कर देंगे, दोनों साइड के ये बराबर कर देंगे। अब दूसरी डोरी हमें इस साइड निकालना है, इस साइड निकालना है। एक इस साइड निकाला, दूसरी हमें इस साइड निकालना है। तो देखिए हम यहाँ से डोरी डालेंगे। अब देखिए यहाँ से डोरी डालते हुए हम इस साइड तक ले आए हैं। अब इस साइड से देखिए, इस साइड से हम ऐसे करके डालते हुए इस साइड अब निकाल ऐसे पूरे में हम डाल देंगे। इस साइड ये ऐसे करके इस साइड अब निकाल देंगे। देखिए एक इस साइड और एक इस साइड ये हो गया। अब हम जो है इसमें पहले टसल बना के लगा देंगे।
अब देखें हम तीन उंगलियों पे ऐसे करके लपेट लेंगे, 1 2 3 4 5 5, और इसमें थोड़ा सा निशान के 1 बस 3 बार और लपेट लिया हमने, टोटल 8 बार इसको लपेट लिया है। अब इसको यहीं से कट कर देंगे। ये कट करके अब देखिए, अब इसको इसको ऐसे कर लेंगे दोनों। देखिए ये दोनों कैसा है, एक एक टेल इसका लेंगे, एक टेल इस डोरी का लेंगे, दोनों टेल अलग अलग कर लेंगे, ऐसे करके रखेंगे और इसमें ये यहाँ ऐसे करके बीच में नॉट लगा देंगे इसमें। इसको टाइट करके हम बांध देंगे अच्छी तरह। अब ऊपर से ये हम बांध, इसको ऐसे करके इसके ऊपर ये उनको लपेट के अच्छी तरह बांध देंगे। अब इसको यहाँ से बराबर कर देंगे। ये देखिए दोनों साइड पे हमने इस तरह हमने ये टसल बना लिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, अब देखिए जो इधर से देखिए इस साइड से ये डोरी है इसको पकड़ के खींच लेंगे, इस साइड ऐसे पकड़ के खींच लेंगे और इधर से ये वाली डोरी ये ऐसे पकड़ के देखिए इसको ऐसे खींच लेंगे। तो ये देखिए इसको ऐसे अब इधर से हमें अब यहाँ से हम जो है टसल बांध देंगे इसमें, ये ऐसे हो गया। देखिए यहाँ टसल कैसे लगाएंगे, यहाँ देखिए इसमें ऐसे करके ये डालेंगे यहाँ से, ये ऐसे देखिए हमने दोनों साइड टसल लगा लिया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये वाली डोरी को हम लूज छोड़ देंगे, इसको हम जो है ऐसे करके यहाँ से सिल देंगे, इसको इसमें सिल देंगे। तो इसको देखिए यहाँ पर हम पहले देखिए ये सुई में हमने उनको डाल दिया है, पहले हम यहाँ पर ऐसे करके नॉट लगा लेंगे। अब इसको इस वाली डोरी को, इसको नहीं सिलना है हमें, सिर्फ इस वाली डोरी को ऐसे करके देखिए यहाँ से ऐसे लगाएंगे, ऐसे इस साइड निकाल के इसमें डालेंगे, इसमें डाल के और इस पोटली बैग में इस उसको सिल देंगे। अब यहाँ नॉट लगा के इस साइड भी देखिए, ये इस साइड यहाँ पर सिल देंगे।
अब देखिए इसको ऐसे करेंगे तो ये टाइट हो जाएगा, और इसको ऐसे करेंगे तो खुल जाएगा। इसको पकड़ के ऐसे करेंगे तो खुल जाएगा, ऐसे ऐसे पकड़ेंगे तो टाइट हो जाएगा। आपका दिल चाहे तो यहाँ पे सुई धागे से एक टाका लगा दें, यहाँ पर ऐसे करके, ये ऐसे करके एक टाका यहाँ लगा दें, एक टाका यहाँ सुई धागे से लगा दें। अगर आप लोगों को ये डोरी लगाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक दें कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।